मार्टन जो है वो उसी में हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर करेंगे, इसका नाम है एग्रीकल्चर। विग्निस फोगाट, क्या जी? इनका पूरा परिवार ही रेसलिंग में है। दंगल मूवी नहीं देखी क्या? जिनके परिवार में प्रवेश। ध्यान देना, भी चैप्टर का नाम है कृषि। अगर कोई आपसे पूछे भारत का प्राथमिक उद्योग कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, प्राइमरी एरिया, ठीक है, तो ये प्राइमरी फर्स्ट या प्राइमरी एरिया कहा जाता है, फर्स्ट एरिया कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबसे अधिक पॉपुलेशन या जो जनसंख्या है वो किस पर कार्यरत है, एग्रीकल्चर। इसके अलावा लार्ज शेयर ऑफ जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा भी कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। क्वेश्चन आएगा प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल करेंगे, तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर प्लस उसकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, कृषि और इसकी सहायक क्रियाओं को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र आपका बन जाएगा। प्राइमरी एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर प्लस स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, कृषि प्लस उसकी सहायक क्रियाएं। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है उसको आप बोलते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, डाल देना। अगर कभी कोई पूछ ले आपसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, तो पहली स्पोर्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, पशुपालन, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एपिकल्चर, क्या होता है एपिकल्चर में, एपिकल्चर मधुमक्खियों को पालना, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, विटीकल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर बागान बागवानी, हॉर्टिकल्चर से होता है बागवानी से होता है, स्पेशली एप्पल, विशेषता एप्पल के बाग होते हैं, रबड़ के बाग होते हैं, चाय के बागान होते हैं, जो बागान वाली खेती होती है उसको उससे रिलेटेड है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर तो एपिकल्चर सेरिकल्चर विटीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फिर पीसी कल्चर सबसे फेमस है, फिशरीज मछली पालन, अजी बहुत सारे, ठीक है, जो मेन मेन है वो पांच छह हैं, ये बड़े से आपको याद रखते हैं, इनके बारे में कुछ बताया नहीं है। बेटा वर्मी कल्चर भी आएगा, बजे पहले को बहुत सारे कल्चर मैंने बताया ना आपको, डाल देना अभी वर्मी कल्चर, भाई ने बताया कुछ बड़े क्यों उसको अर्थ। अर्थवॉर्म्स जो ये केचुए होते हैं ना, उनको किसान का फ्रेंड्स कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को क्या करते हैं, थोड़ा सा मुलायम कर देते हैं, नरम कर देते हैं, ताकि फसल बोना आसान हो जाता है, ठीक है, इसीलिए आजकल इनकी भी खेती की जाती है, ठीक है। पहले तो हमारे यहाँ गांव देहात में केवल एक ही खेती होती थी, सर में जुआ, ठीक है, अब बहुत सारी खेतियाँ शुरू हो गई, ठीक है। चलिए डालिए, एग्रीकल्चर क्या है हमारा, प्राइमरी क्षेत्र है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लार्ज शेयर ऑफ जीडीपी है। अब जनसंख्या कितनी लगी हुई है
और भाई कैसे काम कर रही है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। आपको पता है जब देश आजाद हुआ एक लार्ज पॉपुलेशन का पार्ट हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर में लगा हुआ, ठीक है। काफी लोगों के आंकड़ों में आपको देखने को मिलेगा कि पहले लगभग 70% जो क्राउड था वो कहाँ काम करता था, एग्रीकल्चर का। और शेयर कितना था प्रोडक्शन में, मात्र 55.40%। मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या लगी हुई थी कृषि में, और रोल कितना था 55.40। आज लगभग 17.6% लोग लगे हुए हैं, सॉरी 45 के करीब लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, और उनका शेयर कितना है 17 से 18%। अभी इन्फॉर्म का फैक्ट आपको मैं आगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको मालूम पड़ना चाहिए एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जनसंख्या लगती है और प्रोडक्शन का जो रोल है उसका वो थोड़ा सा कम है, जीडीपी में जो शेयर है वो कम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ है कि फूड ग्रेन के मामले में आज हम आत्मनिर्भर है। पहले ऐसा था कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री बोलते थे, उसके बावजूद भी हमें अमेरिका से या बाकी देशों से गेहूं वगैरह मंगाना पड़ता था। आज ऐसी नौबत हमारे पास नहीं है, मतलब हम कम से कम खाने पीने के मामले में, अपने फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। सेकेंडली, अब भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा से रूप में जो कह सकते हो कमर्शियल फार्मिंग या जो नगदी फसलें बोने का रिवाज है वो शुरू हो चुका है। आज किसान, पहले किसान ये सोचता था अपने लायक हो जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा बेच देंगे, लेकिन मेन टारगेट क्या है, अपने लायक हो जाएगा। लेकिन आज किसान का टारगेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, किसान को लगने लगा है कि अगर हाथ में पैसा हो तो आप भोजन तो कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो थोड़ा सा कई इलाकों में चेंज आना शुरू हुआ है, बट अभी स्टार्टिंग फेज है। अभी भी आप मेन रूप से किसान से पूछोगे कि आप खेती क्यों करते हो, तो उसका एक ही जवाब होगा, भाई अपना पेट भर जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा हुआ तो बेच दे। उसका कभी भी टारगेट ये नहीं होता कि मैं जो फसल उगाऊंगा वो बेचने के पर्पज से उगा, ठीक है। वो अपने खेत में उगाएगा भी क्या जो खुद खाता है। देखा होगा यूपी बिहार हरियाणा पंजाब इन सबके इलाकों में जो खेती होती है किसकी होती है, गेहूँ की, चावल की, दालों की। क्यों? क्योंकि हम यूज करते हैं, गन्ना चीनी बनेगी हम यूज करेंगे, तो अपना टारगेट ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, गन्ना वैसे कमर्शियल फार्मिंग में आने लगा है, कमर्शियल का ही पार्ट है गन्ना। चलिए अब हेडिंग बनाइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषताएं। इसको आप कृषि की विशेषताएं कम और ये पाओगे कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इनमें, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि आज भी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितनी की उम्मीद की गई थी कि डेवलपमेंट हो जाएगा। डालिए भी पहली विशेषता, डिपेंडेबिलिटी ऑन मानसून, मानसून पर निर्भरता, डिपेंडेबिलिटी ऑन मानसून, मानसून पर निर्भरता। आज भी हमारे किसान के मन में एक ही गाना बजता है, बरसो रे मेघा बरसो, अगर बारिश अच्छी हो जाएगी फसल भी हमारी अच्छी हो जाएगी, बारिश बेकार, बारिश ज्यादा या कम फसल भी हमारी खराब है, ठीक है। अभी भी हम काफी हद तक बारिश पर डिपेंड है। हमने काम जरूर किया है कि भाई फिरोजशाह के टाइम से लेकर हम लगातार नहरें बनवाते हुए आ रहे हैं। आपको पता होगा फिरोजशाह तुगलक पहला शासक था जिसने नहरें खुदवाई, उसके टाइम पीरियड से हम लगातार नहरें वगैरह बनाते हुए आ रहे हैं। आज़ादी के बाद तो काफ़ी बनाई हमने, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी केवल कुछ उत्तर भारत के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो आज भी काफ़ी इलाकों में पानी की बड़ी समस्या है और किसान को टाइम पर पानी नहीं मिल पा रहा है। कभी तो भगवान जी इतने मेहरबान होते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो कभी इतनी मेहरबानियाँ होती हैं कि पानी को टाइम, ठीक है, क्लियर है। बताइए इन इंडिया, इसी के अंदर इन इंडिया ओनली 45.7% लैंड, 45.7% लैंड इज फुली इरिगेटेड, 45.7% भूमि ही पूर्णतया सिंचित है, 45.7 ओनली, बाकी जगह पर भगवान जी के भरोसे वाला
बाकी पे बारिश की डिपेंड करती है। ठीक है, आगे डालिए। इसी के अंदर सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल गन्ने का है, सबसे अधिक सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल गन्ने का है। मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया बाय परसेंटेज है सुगर के, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल गन्ने का है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर बारिश के अलावा बाकी रिसोर्स अवेलेबल है, नहरें हैं, कुएं हैं, तो उसमें सबसे अधिक एरिया किसका है? गन्ने का है। वैसे आपको बता दूं कि भाई सबसे बड़े एरिया में जो खेती होती है वो धान की होती है, इसलिए मैं परसेंट एरिया वाइज बात नहीं कर रहा, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। तो टोटल परसेंटेज वाइज एरिया किसका है? ठीक है, गन्ने का है, जहाँ पर पूरी तरह से पानी की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट डालिए, सेकेंड पॉइंट। सबसे अधिक खेत, सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है, मैक्सिमम। तो जो हमारे यहाँ पे भाई वाटर की जो सप्लाई होती है किससे होती है? किसे? नलकूप को क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल से होती है जी। आप कुछ वही पूछ गए। ठीक है, फिर लिखिए भाई। सर एक तो इंग्लिश में डिपेंड करने वाला, मैक्सिमम इरिगेशन भी डिड विद ट्यूबवेल्स, मैक्सिमम जो इरिगेशन वाले होता है वो ट्यूबवेल से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट डालिएगा सी में, सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का, हाई नंबर ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान फसलों की प्रमुखता। हाई नंबर ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान फसलों की प्रमुखता। हमारे यहाँ पर सबसे अधिक कौन सी फसलें यूज करते हैं? खाद्यान फसलें, फूड ग्रेन्स। मैंने बताया था कमर्शियल फार्मिंग आज भी नाम के लिए ही है और काफी कम है, फूड ग्रेन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। विद्या बच्चों, ठीक है, खाद्यान फसलों की प्रमुखता। नंबर थर्ड, डिपेंडेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, डिपेंडेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, अधिकांश जनता की निर्भरता। डिपेंडेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, अधिकांश जनता की निर्भरता। डिपेंडेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पीपल्स, देखिए करंटली 46 point something पीपल्स डिपेंड ऑन 46.123 पीपल्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लगभग 46% लोग कृषि पर निर्भर है। वैसे भी गांधी जी ने कभी कहा था कि भारत जो है वो गांव में बसता है। ठीक है, खैर उन्होंने तो ये भी कहा था कि शहरों में तो निशाचर रहते हैं, देवता और इंसान तो गांव में बसते हैं। आप सब क्या? अच्छा, अगला ये, अच्छा अपन गांव को उनके कहेंगे ना भाई, अब तुम आर्मी वाले हो गए, जो डी डी प्लस बी तैयारी करो डी डी प्लस बी वाले हो गए। मतलब अभी से अपने आपको सरकारी विभाग का जमाई मानना शुरू कर दीजिए, तो अच्छी वाली फीलिंग भी आएगी, एग्जाम पास करने का ज्यादा मन करेगा, फिर लगेगा इस फीलिंग के बिना रह ही नहीं सकते, वो भी नई नई जमाई वाली फीलिंग। होता है ना कि कहीं जब भी हमें सरकारी नौकरी लगती है, एकदम अनाउंसमेंट का लेटर आता है कि आपने ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा, तो चार पांच दिन इंसान उन सपनों में होता है जहां उसको मालूम भी तो हो क्या गया, क्योंकि ऐसे ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने जिंदगी में कभी कॉल नहीं की होगी उनकी तो कॉल आएगी, और हर रिश्तेदार ऐसा शो कराएगा जैसे उसके लिए आपसे स्पेशल कोई है ही नहीं। बेटा हमें तो पता था तू तैयारी कर रही है, कर रहा है, इसलिए अपनी जान उसकी डिस्टर्ब किया ही नहीं, कि बच्चा तैयारी कर रहा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए कॉल करते ही नहीं थे। अच्छा, इसको भी एक ही टारगेट है बस, रिश्तेदार डालिए भी आगे। स्मॉल साइज ऑफ इरिगेटेड लैंड, फोर्थ पॉइंट, कृषि जोतों का छोटा आकार, कृषि जोतों का छोटा आकार,
स्मॉल साइज ऑफ इरिगेटेड लैंड। आपको पता है हमारे यहाँ जो एक उसको आप खेत बोल देते हो या मतलब आपका फील्ड बोल देते हो एग्रीकल्चर, वो उसका जो एक एवरेज एरिया है वो 1.15 हेक्टेयर है एवरेज एरिया। डाल देना इन इंडिया द एवरेज एरिया इज 1.15 हेक्टेयर। भारत में जोत का सामान्य साइज सामान्य आकार 1.15 1.15 हेक्टेयर। और आपको पता अमेरिका में कितना है? मात्र 157.6 हेक्टेयर। आप सोचिए जब आप 157.6 हेक्टेयर में उगाओगे तब टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। हमारे यहाँ क्या है, एक रीजन है हमारे यहाँ मतलब कि एक तरह से पिता के बाद वो संपत्ति बच्चों के नाम पे आ जाती है। हमारा एक व्यक्ति था, एक जमीन का हिस्सा उसके पास था, दो बच्चे हुए, हाफ इधर हाफ इधर बंटवारा हो गया। उसके बाद उनके दो दो हो गए चार हिस्से, फिर उनके भी दो दो हो गए, इस प्रकार से हिस्से बढ़ते चले गए। और अब क्या होगा, किसी के हिस्से में इस कमरे जितनी जमीन आएगी और वो क्या बोलेगा, जमीन मेरी माता है, मैं इस पे खेती करूंगा और मैं इतना प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा, लोग हैरान हो जाएंगे। भैया जी जब जमीन इतनी होगी तो प्रोडक्शन के लिए आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, टेक्नोलॉजी आप लगा नहीं सकते, महंगी पड़ जाएगी। आप क्या करोगे, फिजिकल हार्डवर्क ही कर सकते हो। आप कितना भी हार्डवर्क कर दीजिए, जमीन की पैदा करने की तो लिमिट है, उससे ऊपर तो जमीन भी नहीं जा सकती, मिट्टी का तो उपजाऊ पन है। लेकिन आप कहोगे नहीं भाई मेरी माता मैं उसको छोड़ूंगा, और पुरानी मूवीज में देखा होगा ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ज़्यादा है। आपको पता है असम वगैरह में चाय के बागान वगैरह होते हैं, अलबड़ के बागान है कई जगह पर, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं करते। वहाँ पर ये कहते हैं कि जमीन का जो पैसा आपको मिलेगा ना उसको तो आप बांट सकते हैं, आप जमीन को नहीं बांट सकते। तो जमीन बटेगी तो जमीन कैसे रहेगी, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होगी, अगर बड़े पैमाने पर होगी तो क्या होगा, फायदा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर का एरिया जितना बड़ा होगा ना प्रोडक्शन की रेंज उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, कि वहाँ आप तकनीकी वगैरह यूज कर सकते हो, बाकी चीज़ें यूज कर सकते हो, तो बड़ा फायदा उसका मिल जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट डालिएगा, बहु प्रकारीय खेती डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। बहु प्रकारीय खेती डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। बहु प्रकारीय का मीनिंग क्या है, कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान का टारगेट होता है सब कुछ उगा दो, चाहे कोई जमीन उसकी जमीन उस चीज़ को सपोर्ट करे ना करे, उसको लगेगा अरे कोई बात ही खाली पड़ा गया तो चाहिए उगा लो, उगा दो कुछ भी उगा, ठीक है। हमारे यहाँ टेक्निकल काम कम होता है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। टेक्नोलॉजी में हमारी पुरानी वाली है, आज भी देखोगे आप खेत वगैरह जाके लोग खुरपी वगैरह का यूज करते हुए मिल जाएंगे। इसी का प्रयोग होता है हमारे यहाँ, बेसिक चीज़ें यही है, बेसिक चीज़ें यही है, ठीक है। हम आज भी वो पूरा वर्ल्ड पहुँच गया है अलग अलग जगह पर, और हम आप उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं हमें तो यही होगी। दो देश हैं तो उन्होंने कहीं नहीं पहुँच पाए, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान का टारगेट होता है कहीं नहीं पहुँचना, बस इंडिया पहुँचना है। मतलब ये देश बेचारा ऐसा है जितने सालों से कोशिश में लगा हुआ है एक बार भारत में घुसना है, ठीक है। और दूसरे हमें, ठीक है, हमारा आज भी गुड ट्रैवलिंग बहुत पुराने वाला है कि बस पुरानी तकनीकी यूज करनी बेस्ट रहना, उस पर बस काम चल जाना है। कुछ चीज क्या ना, नए सिखाते ही नहीं, बेचारा वो मकाले था मकाले था, वो मर मर गया कब का, आज भी हम उसकी एजुकेशन पॉलिसी का रोना रो रहे हैं, उठा के उसको रखी हुई है। पूरे वर्ल्ड में सिखाया जाता है हाउ टू बिकम द एंटरप्रेनर, और इंडिया में सिखाया जाता है हाउ टू बिकम द लेबर वर्कर। पूरी एजुकेशन उठाकर देख लीजिए, वो आपको एक ही चीज करना सिखाएगी, अच्छी नौकरी कैसे पाए। बचपन से हर एक बंदे का टारगेट होता है बेटा पढ़ाई कर लो जॉब लग जाएगी। ईमानदारी से आपके कितने टीचरों ने आपसे कहा कि बेटा एक बार पढ़ाई कर ले तू अपना काम खोलेगा और एक बहुत बड़ा इंटरप्रेनर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। चलो एक बच्चे को किसने बोल भी दिया, उसको लगा होगा पढ़ाई में अच्छा नहीं
उसे लगा होगा रिजल्ट खराब करेगा, इससे अच्छा तुम ऐसे ही कर, ठीक है? वहां भी टीचर ने अपना बेनिफिट सोचा, ठीक है? तो मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारा रूटीन ऐसा है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए बेटा, आखिरी पॉइंट। धन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मनी। एक अज्यूम करना, मैंने एक वर्ड बोलता हूं फार्मर या किसान, आपके दिमाग में कैसी इमेज आई है? 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान जिसके जिसने जींस ऊपर टी शर्ट डाली हुई है, कान में हेडफोन लगाए हुए हैं, आई ऐसी इमेज नहीं ना? जब भी कोई किसान वर्ड बोलेगा आपके सामने एक इमेज आएगी, ऊपर का शरीर भी कोई कपड़ा नहीं है, हड्डियां शरीर के बाहर निकलने के लिए भाग रही हैं। ईमानदारी से सोच के बताना ये इमेज है कि नहीं है, ठीक है? एक अंगोछा बेचारा उसको बांध रखा है उसने, ठीक है? और वो एक चूल्हा जलता हुआ, उस पर एक छोटा सा बेला रखा हुआ है, उसका खाना बन रहा है, पूरे परिवार में सबके लिए खाना नहीं है, बेचारी जो उसकी वाइफ है वो सबको थोड़ा थोड़ा डाल के दे दिया, अपने हिस्से का भी बच्चों को दे दिया। किसान की इमेज हमारे यहाँ ज्यादातर यही बनती है, मैं पंजाब हरियाणा के किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? तो हमारे यहाँ आज भी किसान अभाव में है, और एक बात ईमानदार भी किसान ही है, हमारे यहाँ यूपी बिहार पंजाब के थोड़े कुछ किसान को छोड़ दिया जाए तो बेचारा किसान इतना ईमानदार है, महाराष्ट्र में किसान ने 500 रुपए ना चुकाने के चक्कर में आत्महत्या कर ली, जिसमें एक कर्जा था 500 रुपए का, किसी का चुका नहीं पाया, उसे सुसाइड कर दिया था, क्योंकि वो बार बार बंदा उसको बोल रहा था कि तेरे पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, इतनी शर्म आई उस बेचारे को, उसने आत्महत्या। और हमारे यहाँ एक बार निकलवा लो ना किसान, किसी भी बिहार के किसान को पैसा दे गए, अगर आपने निकाले तो आपसे महान तो कोई है ही नहीं, सरकार नहीं निकाल पा रही बिल्कुल नहीं, पैसा तो यूपी में हमेशा माफ हुआ है, वो क्या हुआ यूपी में एक बार उनको फसल अच्छी नहीं हुई थी गन्ने के किसानों की, तो कांग्रेस सरकार थी उस समय, और कांग्रेस सरकार ने मुआवजा बांटा था, किसी को 4 रुपए, किसी को 6 रुपए, किसी को 8 रुपए, किसी का 22 रुपए भी आया था, कुछ लोगों को ज्यादा भी मिला, 22, 25, 30 रुपए, तो लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने वो सारा पैसा इकट्ठा करके सोनिया गांधी जी को वापस कर दिया, बोले मैम फसल तो आपकी भी खराब हो गई। आपको चले बिठाइए, आप पॉइंट पर आइए और ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल फैक्ट लिख दीजिए, स्पेशल फैक्ट। एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल, कृषि को 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में रखा गया था, स्टेट लिस्ट पार्ट ऑफ 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल। देखिए बेटा, मैनी सजेशन केम टू ब्रिंग दिस इन, मैनी सजेशन केम टू ब्रिंग दिस इन, ब्रिंग दिस इन कॉन्करेंट लिस्ट, इसे समवर्ती सूची में लाने के काफी सुझाव आ चुके हैं, ब्रिंग दिस इन कॉन्करेंट लिस्ट, इसको समवर्ती सूची में लाने के काफी सुझाव आ चुके हैं, किसको वहां से हटाकर कहां लाया जाए, समवर्ती सूची में ला दिया जाए। याद रहेगा बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा, समवर्ती सूची एक ऐसी लिस्ट है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, ठीक है?
आगे लिखे डालिए इसमें, चकुंदर से चीनी बनाने का श्रेय, सुगर फ्रॉम, क्या बोलते हैं चकुंदर को, बीट रूट, वेरी गुड, चकुंदर से चीनी बनाने का श्रेय डॉक्टर बीसी गुप्ता को जाता है, द सुगर इज मेड फ्रॉम बीट रूट बाय डॉक्टर बीसी गुप्ता। आपने पढ़ा होगा कि गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है उसको व्हाइट कलर देने के लिए काफी लोग बोलते हैं कि हड्डियों का बुरादा वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है, और सिंथेसाइज मैनर में यूज होता है, थोड़ा सा सिंथेसाइजेशन किया जाता है उसका, ठीक है। तो सबसे प्योर चीनी नहीं बोल सकते आप इसको, जो व्हाइट चीनी आती है, तो प्योरेस्ट फॉर्म बनाने के लिए, और खासकर ये आपको पता होगा डायबिटीज के रोगियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम का इशू है, शुगर वाले भी इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पौष्टिक चीनी बनाने की कोशिश की गई थी चकुंदर से। इस चीनी का जो रंग होता है वो हल्का सा रेडिश मैनर में होता है, ठीक है। तो ये जो चीनी है हम बना रहे, तैयार कर रहे हैं, इंडिया से बाहर ज्यादा दिखती है, हमें सस्ता चीज होता है, आप पड़ोसी दुकान पे गए चीनी क्या भाव है, हम कभी ये नहीं पूछते भाई चीनी अच्छी है कि मोटी कैसी है, दाना कैसा है, हम पूछते सस्ती कौन सी है, क्योंकि लड़कों को तो वैसे ही सस्ती चाहिए होती है, क्योंकि 2-4 रुपए अपना कमीशन तो बनाना होता है ना, ठीक है। तो गए और जाकर भी जब तक 5-10 रुपए ना बने तब तक फायदा क्या है, सबने किया होगा बचपन में, घर वालों ने कभी भी कोई काम कहा होगा तो पहले पूछा होगा मेरा क्या फायदा है। अब देखो थोड़ा चेंज हो गए बड़े होकर, बड़े होकर क्या सोचते हैं सामने वाले का क्या फायदा है, अगर मान लो कोई टीचर कह रहा बेटा तुम सबका सिलेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा हार्डवर्क करो, बच्चे के मन में पहले आएगा इस टीचर का क्या फायदा, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि हमारा क्या फायदा है। बनियों में और हमें थोड़ा सा फर्क यही होता है, बनिए को आप बिजनेस की स्कीम बताइए वो पहले ही सोचेगा इसमें मेरा क्या फायदा है, और हम सब क्या सोचेंगे इसका क्या फायदा है, कि हमें क्यों बता रहा है, पक्का इसका कोई फायदा होगा और हम करेंगे ही नहीं, कहेंगे इसका फायदा क्यों होता है इसको, ठीक है। तो हमारे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी यही होती है, अभी भी कोई टीचर को बोलते ना बेटे थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ लो इसका हट वाला काम हो जाएगा या सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे मन में पहले ही आएगा इसका क्या फायदा है, क्यों बताया ऐसे फ्री में, तो कोई बता पाए कोई ना कोई काम ही रहा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे बोलते ना कि भाई घर पे हो गया मिलने आना है, हमारे दिमाग में पहली इमेज ही आती है पक्का इसको कुछ पढ़ा गया आती है ना प्रैक्टिकली सबको, ये मतलब हम सब टिपिकल इंडियन है। अगला पॉइंट डालिएगा भाई, तो डॉक्टर बीसी गुप्ता ने बीट रूट से शुगर बनाई, डाल देना ये इंटरनेशनल शुगर काउंसिल के चेयरमैन, ही इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल शुगर काउंसिल, ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के अध्यक्ष है, डॉक्टर बी सी गुप्ता, बी बी फॉर बॉम्बे सी फॉर कलकत्ता, डाल दिया भाई, फिर लिखिए डॉक्टर बी सी गुप्ता जी, ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के अध्यक्ष है, ही इज हेड ऑफ इंटरनेशनल शुगर काउंसिल, फिर लिखिए भाई सेंट्रल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मैजी फेमा नागालैंड में है, केंद्रीय बागवानी संस्थान मैजी फेमा नागालैंड, मेजी फेमा नागालैंड बड़ा फेमस है ये, मैजी फेमा नागालैंड में है, क्या जी केंद्रीय बागवानी संस्थान। आगे लिखिए भाई वर्ल्ड विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है,
इसका मतलब ये नहीं कि इस दिन बैठे पूरे दिन खाना खाना है, इसलिए है ताकि वर्ल्ड में सभी व्यक्तियों को भोजन मिल पाए, उसके लिए कोशिशें की जाए। ठीक है, आगे लिखिए, फर्स्ट वर्ल्ड फूड अवार्ड, विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फर्स्ट फूड अवार्ड प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था, वॉज गिवन टू प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। हाँ जी, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भारतीय हरित क्रांति के पिताजी हैं। याद रहेगा भाई, यूएनईपी ने इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम डिक्लेयर हिम यूएनईपी, इसकी फुल फॉर्म डाल देना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी ने इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी है। क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर एम एस स्वामी। आगे लिखिए, एग्रीस ए जी आर आई एस एन ई टी, एग्रीस नेट, ए जी आर आई एस एन ई टी, हिंदी वाले ये लिखिए, एग्रीस नेट, ए जी आर आई एस एन ई टी, एग्रीस नेट एक सैटेलाइट है से एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क भी कहा गया है, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क, हिंदी इंग्लिश एक समान। अजी एडम स्मिथ फर्स्ट से बताया था इनके बारे में, सिस्टम किसका जी, अभी आगे लिखिए बेटा, क्या बेटा बोल देना, एक बार किसने लिखा था, देखा है आगे लिखिए, इस सी में फैक्ट में सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग भारत में, हाईएस्ट नंबर ऑफ फर्टिलाइजर यूज बाय पुदुचेरी, पुदुचेरी हाईएस्ट नंबर ऑफ फर्टिलाइजर यूज बाय पुदुचेरी, भारत में सबसे अधिक उर्वरक पुदुचेरी प्रयोग करता है, छोटा सा राज्य है, अच्छा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वेस्ट लैंड है, व्यर्थ पड़ी हुई भूमि, राजस्थान, डाल देना, सबसे अधिक वेस्ट लैंड कहां पर है, राजस्थान में, और सबसे अधिक बैरन लैंड, बंजर भूमि, बैरन लैंड, गुजरात, एक नंबर कटवाओगे अपना, अब लिखिए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप नहीं उसको नाम डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, गुजरात,
डाला भाई क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण पहला लिखना इसमें कवर क्रॉप्स। इंग्लिश वाले भी ये, हिंदी वाले भी ये लिखेंगे कवर क्रॉप्स। फसलों का वर्गीकरण बेटा अगले पहला है कवर क्रॉप्स, लिख देना। ये फसलें मिट्टी को ढककर रखती हैं। दिस क्रॉप्स कवर सोयल। ये मिट्टी को ढककर रखती हैं ताकि अपरदन कम हो। सो यू हैव टू कंट्रोल सोयल इरेजन। सोयल इरेजन जो होता है उसको कम करने के लिए बेटा आपको पता होगा मिट्टी जो है वो भी हमेशा पानी या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, ठीक है। अगर ये फसलें ढककर रखेंगी या मजबूती से मिट्टी को पकड़े रखेंगे तो क्या होगा, सोइलेशन कम होगा। एग्जांपल लिखना है इसके, मूंगफली उड़द उड़द शकरकंद पीनट उड़द पिजिया शकरकंद बोले तो स्वीट, ठीक है, और लोबिया। लोबिया नहीं देखा, इसको गरीबों की राजमा बोल देते हैं लोबिया है ये? कोई नहीं, जिसने नहीं खाया है घर में बनेगा मैं ला के दे दूंगा, ठीक है। मैं दो चीजें ला के दे सकता हूँ आपको, एक तो लोबिया एक तोरी। डेली नहीं बनती, वो कभी कभी बनती है, तो उस दिन बन दिया तो खाने का बहुत होता ही है। ठीक है, और भाई तो खा लेगा आराम से। और ये और जो राजस्थान का तो मैं बोल ही नहीं सकता, बहुत मैं राजस्थान से हो हरियाणा से, राजस्थान वाला कोई नहीं यहाँ पे, बड़ी बेइज्जती है ये। उठाता से झुंझुनू वाला कौन सा था भाग गया वो, खाना इतना सब की रेसिपी झुंझुनू का का है वो रूम्बे, उनकी वहां तो ककड़ी, ककड़ी की सब्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ककड़ी की सब्जी फेमस है वहां झुंझुनू वगैरह में। ककड़ी और दाल, दाल आपको हमेशा एक टाइम जरूर मिलेगी। दाल बाटी नहीं खाली दाल, दाल बाटी राजस्थान की थोड़ी इस तरफ की इलाकों में होती है। छोटा झुंझुनू में दो तीन साल पढ़ाया तुमने बालू में मारा अजी चुड़ावा में मैं चुड़ावा। अब पूरी जनपद नहीं दिख रहा आएगा आगे लिखिए चुड़ावा का अभी। अच्छा फिर तो बेटा तेरी से नौकरी लगेगी ना, तो सभी बच्चों को तेरी तरफ से कासू हलवाई की संजय मिष्ठान भंडार अभी सुना है। अच्छा ठीक है, तो उसके इलाके सबको पेड़े खिला दिए, देखिए वहां के पेड़े बड़े फेमस हैं। उसको बेचारी आवाज बंद होगी पेड़ों के नाम से उसकी। चलिए बिठा लिए, तो दूसरा लिखिए बॉर्डर क्रॉप्स। सनी देओल की मूवी याद कर लेना भाई, बॉर्डर इसको गार्ड क्रॉप्स ही बोलते हैं, GUARD गार्ड। देखिए हम अक्सर करते क्या है कि मान लीजिए कोई हमारी एक लैंड है एग्रीकल्चर पर, अब हमें पता है कि जो क्रॉप है उसको कोई ना कोई एनिमल डैमेज कर देगा, तो अगर छोटा क्रॉप होता तो हम क्या करते हैं कैक्टस वगैरह लगा देते हैं। हमारी जमीन बड़ी है तो क्या किया जाए, कैक्टस वगैरह तो नहीं लगा सकते। तो गांव देहात में वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर की जो बाउंड्री है
थोड़ा सा रास्ता छोड़कर आने जाने का, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ग्राम उगाया, ये ग्राम रूट है, चने की खेती की आपने, इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, साफ फ्लोवर उगा देते हैं, डाल देना चने के खेत के चारों ओर कुसुम उगाई जाती है, कुसुम, इस कुसुम को बुर्रे भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सेम है जंगली बेर जैसी होती है, जंगली बेर देखिए झाड़ी नुमा होती है ना, कांटे होते झाड़ी में, ये ऐसी होती है बिल्कुल। अच्छा देखो किसान करते भी हैं कि खेत की जो बाउंड्री होती है ना, मैं जहां से जानवर वगैरह अटैक होता है वो वहां, जहां वो वहां अक्सर क्या करते हैं, बेर वगैरह उगाते हैं, जंगली बेर वगैरह, ताकि बेर वगैरह में क्या होते हैं, कांटे इतने ज्यादा होते हैं जानवर अगर पहुंचेगा ही। आगे लिखिए कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, भाई कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप, ये दोनों बिल्कुल सेम एज है, एक जैसी हैं, पर इसको नकदी फसलें बोलते हैं और इसको कहा जाता है वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें, मेरा ये एस बेचारा शेषावस्था में भी बड़ा नहीं हो पाया, जब बड़ा हो जाएगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा ये काफी शेषावस्था में रहेगा, ठीक है, देख लो राइटिंग कितनी बढ़िया, कभी घमंड नहीं करती, आप सबके ऐसे होते तो घमंड में पड़ जाते। मेरा डॉक्टर बनना था मुझे, गलती से मेडिकल चूज कर, मैंने किया भी था एक बार, मैं ऐसे ही देख रहा था, मैं कहता मेरे मेडिकल वाली समझ में आएगा कि नहीं आएगा, एक फ्रेंड बोला सर में दर्द हो रहा है, मैंने ऊपर आर एक्स लिख के और नीचे एम ई एम से कुछ लिख दिया ऊपर डॉक्टर साहब, और मेडिकल वाले ने उसको गोलियां भी दे दी, अब ये नहीं पता किस चीज की दी थी उसको, पर दे दी मेडिकल वाले। फिर मैं उसको मना कर दिया, मुझे मत दी कि मर मुड़ जाए कारण, दो बार उसको मना कर दिया, और वो भी लिया है मेडिकल स्टोर से, क्या दीजिए मेडिकल वाले ने उसको, हमारे लोग करते भी ऐसे, ये बिना पूछे कुछ भी ले लेते हैं, हमारे यहाँ सब डॉक्टर है ना, किसी के सर्दी जुकाम हो जाए कोई बोल देगा गाढ़ा पिला दो, कोई कहेगा सुई ये पिला दो ये खिला दो, और बाद में जब आप ठीक नहीं हो गए वही बंदा कहता है मेरे सब तो पहले के डॉक्टर दिखा लो, है फिर डॉक्टर, ठीक है। तो कमर्शियल रोड समझ में आ गया, ये भी पैसे से संबंधित है, पैसा कमाने के लिए उगाई जाती है, यहाँ मैन टारगेट किस पर होता है, कमाने पर, क्योंकि ये यहाँ पर हम ये मानते हैं कि अगर आप फसलों को अच्छे ऐसे फसल उगाते हो जिनसे पैसा ज्यादा मिलता है तो अनाज तो आप कभी भी परचेज कर लोगे। एग्जाम्पल आना इसमें गन्ना, हाँ कैश दोनों में डाल दो बेटा, गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, सारी इसी में आएंगी। नाम का और ये कमर्शियल फार्मिंग बड़े लेवल पे होती है। आगे डालिए कैच क्रॉप, सी ए टी सी एच, फिफ्थ, कैच क्रॉप, इसको इमरजेंसी क्रॉप भी बोलते हैं बेटा, इमरजेंसी क्रॉप, कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप। आप देखते होगे बेटा हमारे यहाँ तीन मेन सीजन होते हैं, रबी का, खरीफ का और जायद का। अगर मान लीजिए आपकी जो मेन फसल है रबी की वो खराब हो जाए तो क्या आप बैठकर वेट करोगे अगले सीजन तक? नहीं ना, आप कोई ऐसी फसल उगा लोगे जो अगले सीजन तक चल जाए, है ना? तो जो फसल बीच में उगा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप। डाल देना व्हेन मैन क्रॉप डैमेज, जब मुख्य फसल खराब हो जाती है
when man crop damage then to reach next season, तो अगले सीजन तक जाने के लिए हम इमरजेंसी फसलें उगाते हैं, कैच क्रॉप उगाते हैं। तो अगले सीजन में जाने के लिए हम कैच क्रॉप उगाते हैं। एग्जांपल लिखना बेस के मूंग मूंग उड़द लोबिया प्याज एंड मूली। फिर लिखे ट्रैप क्रॉप TRAP ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप में डालना भाई ये फसलों में लगने वाले कीड़ों को फंसाने के लिए उगाए जाते हैं। ये फसलों में लगने वाले कीड़ों को या जो जानवर उसको छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको खराब कर देते हैं, उनको फंसाने के लिए उगाई जाती है। दीज प्लांट्स प्लांटिंग टू ट्रैप सोइल बोर्न BORNE जो सोइल बोर्न होते हैं इंसेक्ट होते हैं ना उनको ट्रैप करने के लिए उगाते हैं। जैसे जैसे कॉटन कपास के खेत के चारों ओर भिंडी उगाई जाती है, भिंडी लेडी फिंगर। लेडी की जो फिंगर होती है उसको काट कर उसको उगा। अंग्रेजों ने नाम भी तो कैसे खतरनाक रखे हैं, जिस फसल को काटते हुए कई बार फिंगर कट जाए लेडी फिंगर। ठीक है, कॉटन याद रखना, इसके खेत के चारों ओर आपको भिंडी देखने में मिलेगी, पर ये थोड़ी जंगली भिंडी होती है, साइज भी इसका थोड़ा बड़ा होता है, ये हल्की हल्की तोरी टाइप के साइज में लेते होता है, बड़ी हो जाती है, लेकिन खाना मत उसको। है जी खाते नहीं है क्या, पता कोई खा ले बता दिया मैंने खाना नहीं। वो तो अभी मूड में आ गई थी कि हाँ ये भिंडी अच्छी होती है, अच्छी मोटी होती है, बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है, हमारे यहाँ तो जब जाते हैं ना तो घिया भी वगैरह लेके आए तो साइज देखते गया था, यहाँ एक गया फिर काम हो जाए। ठीक है, कच्ची पक्की से छोड़ते हुए थे, इंजेक्शन में कमाल होती है, वो एक इंजेक्शन लगाया रात को बेचारी पेड़ पे गया थी इतनी सी, और सुबह उठ के आया और देखा वाह भी क्या का साइज। ठीक है जी, बिल लगा हुआ है, अब कई जुगाड़ आ रहे बेटा, नए नए जुगाड़ आते जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद ऐसा जुगाड़ आएगा घिया को फ्रिज में रखिए दो बटन दबाइए बाद में घिया अपने आप ही बड़ी हो गई, किलो में बड़ी हो गई। वो जैसे मूवीज में होता है वो गाने के बीच में ही हीरो बड़ा हो जाता था, आने वाले फ्यूचर में ऐसे गाने बनाए जाएंगे, बच्चे को उस गाने के बीच में छोड़ दीजिए, जैसे ही गाना खत्म बच्चा बड़ा होकर बाहर आ गया। भाई देखो ना, अभी बच्चों को जो भगवान जी दिमाग देके भेज रहा है, ओवर लिमिट दिमाग उनको दे रहा है, आने वाले टाइम पे भगवान कहेगा कि दिमाग तो ले तो एक काम तो बड़ा ही हो जाता है। उनकी बातें देखो बच्चों की आपस में बात करते हुए, आज बस में छठे सातवीं क्लास के बच्चे होंगे दो आपस में बात कर रहे हैं दूसरे से, वो कि आपस में क्या डिस्कस भी क्या कर रहे हैं, पता है यार एक बार है ना थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो जॉब करूंगा मैं। बोला तू क्या जॉब करेगा, जॉब तो मैं करूंगा बैंक में। वो कह रहे तेरे बैंक की शक्ल देखी है, बोल रहा ऐसे बेइज्जती मत कर, 6,000 मेरे अकाउंट में। मैंने कहा हमारे अकाउंट में पता नहीं था आप कितने हैं, कितने हम घर वालों से घर वाले बताया भी नहीं करते इतने हैं, और इन बच्चों को पूरा जुगाड़ मालूम है, और पांचवीं छठी क्लास से ऊपर के बच्चे नहीं होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे, प्राइवेट स्कूल चल जाएगी दिमाग ज्यादा विकसित करते हैं वाले, आज के गवर्नमेंट स्कूल बच्चे खतरनाक हो रहे हैं, या तो कोई रिश्तेदार आया करता 100 रुपए देके जाया करता, मम्मी 80 TDS काट लिया करती थी,
20 पकड़ा दिया करते, बच्चा 20 में पूछ रहा है। और घर वाले बेवकूफ कैसे बनाया करते हैं, वो लाल रंग का नोट दिखाओ कर, वो 20 का नोट लाल रंग का हुआ करता और सो का वो हरे सा हुआ करता, 20 का चमकता अपना थोड़ा सा, या नया नोट दिखा दिया करते 20 का, बच्चा बेचारा उसी में पागल हो गया कि यार ये नोट अच्छा है और पकड़ लिया। और आजकल का बच्चा भी इतना खतरनाक, उसको नोट के साइज से मतलब नहीं है, वो जीरो ढूंढते जीरो कितनी है, तो 3 जीरो वाले नोट है तो बढ़िया है, वैसे ये तो बेकार है। चलिए डाली आगे, एनर्जी क्रॉप, ये फसलें आपको एनर्जी देती हैं। अब ये दूसरा एनर्जी कौन से वाली है, ठीक है डाल देना, मक्का, गन्ना, आलू, ये वैसे एनर्जी नहीं है, वो बेचारे होते ना दुनिया के सबसे एनर्जीवान लोग, जो पूरे दिन नाली वगैरह में कहीं भी पड़े रहेंगे और रात को उनके अंदर अपने आप ही एनर्जी का संचार होएगा, फिर वापस वो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है उनके दिमाग में घुसेगी, दुनिया में सब बैर कराए मेर कराए मधुशाला, और उसको अमिताभ को याद करके बेचारे वापस मधुशाला पहुंच जाएंगे। तो मतलब अल्कोहल वगैरह इसमें आएगी और एथेनॉल इसमें आएगी, लिख देना अल्कोहल और एथेनॉल, दो चीजें इसमें आती हैं, अल्कोहल और एथेनॉल, इसमें अंगूर वगैरह भी आ जाते हैं, अल्कोहल और एथेनॉल। एथेनॉल जो लिखोगे ना आप, उसके नीचे अंडरलाइन करना और लिख देना टपियोका और जट्रोफा, टपियोका TAPI, टपियोका YOKA, टपियोका एंड जट्रोफा JATROFA, जट्रोफा हाजी, टपियोका जट्रोफा, ये जो दो चीजें हैं ये एथेनॉल बनाने में यूज होती हैं। और जो यही जट्रोफा लिखवाए ना, आपने सुना होगा बायोडीजल, जो आजकल बायोडीजल बना रहे हैं, ये मतलब पेड़ पौधों से, इसमें टपियोका और जट्रोफा का यूज होता है, इन पेड़ों की जो छाल वगैरह होती है ना, तो इसी इससे क्या होगा, आपको जो जीवाश्म, आपको पता है कि ये तो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल वगैरह जो है तो नष्ट हो जाएंगे, वैसे में आप क्या करोगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लांट वगैरह उनसे बनाया जा सके, अभी शुरुआत फेज में है, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप इसकी नहीं हो पाई है, पर फ्यूचर में हो सकता है टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो जाए, अभी तो वैसे भी एक कार आने वाली है जोड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कारें भी आपको 2-3 महीने बाद दिख जाएंगी, अभी कई राज्यों में आ चुकी हैं, बाकी स्टेटों में दिख जाएंगी, ठीक है तो बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है फिर उड़ने वाली कार आएगी तो मजा आएगा, बचपन में सबको ऐसे ही लगता था, काश कम होते हैं सारे, अभी भी लगते हैं मेरे को, अभी बचपन गया नहीं ऐसे ऐसे नहीं, वो उड़ने वाली कार से घाटा भी हो जाएगा ना, कोई ऊपर ट्रैफिक जाम हुआ करेगा, और फिर खतरनाक काम ज्यादा ये होगा, अभी किसी इंसान को शंका और लघु शंका लगती है, रोड पे गाड़ी कहीं कर देते कहीं भी चला जाता है, अब इंसान बेचारा अजीब वारदात है, ठीक है बड़ा खतरनाक समय आने वाला है, ऐसी कार नहीं आनी चाहिए, वहां के लोग शरीफ होते हैं, उनको पता होता है कहाँ जाना है, हम भारतीयों को कहीं पता नहीं होता, जिस दीवार पर लिखा होता है ना लोग वही खड़े हो जाते हैं, क्या कहा गया है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये एक सोसाइटी है इंटरनेशनल, उसने खुद कहा कि सबसे अधिक रूल तोड़ने में भारतीय बंदे हैं, बिल्कुल इनको डड्डे का डर होता है ना कि कोई कानून में भी प्रॉब्लम है और कानून कुछ खतरनाक हो सकता है, तो ये बड़े सुधर जाते हैं, और जब तक कानून में डर नहीं होता भारतीय बिल्कुल लापरवाह होते हैं, अब वही भारतीय जो बैठे में 2 घंटे बैठेगा उसको 5 छपाना बिल्कुल याद नहीं आएगा, और छपाएगा तो अंदर ही निकलेगा, और वही भारतीय जब ट्रेन में बैठा होता है तो वो पूरी ट्रेन का नक्शा बिगाड़ा होता है, तो हमारी थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम ये है,
और सुधरते हैं कभी जब उन फाइन लगाया जाए। सिंपल गवर्नमेंट एक रूल कर दे, जो व्यक्ति बस में या ट्रेन में कहीं में भी पान गुटखा चबाकर थूकता हुआ पकड़ा गया, उसको पूरे बस की सफाई करनी पड़ेगी। चार लोगों से करवाओ और उनकी फोटो न्यूज़पेपर में डाल के वायरल कर दो, 10 लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे। और हुआ भी है, आपको पता है अगर दिल्ली में जो दामनी रेपकांड है, जो इसको नाम दिया गया था, अगर उस रेपकांड में जो फांसी का ऑर्डर दिया गया था, अगर उन बंदों को एक हफ्ते के अंदर अंदर लटका दिया गया होता, तो शायद रेप की दूसरी वारदात इंडिया में कभी ना होती। हमने खुद इन वारदातों को बढ़ा रखा, उन लोगों को दबा मार के बिठाया हुआ है। एक रेप की वारदात हो, अगले बंदे को चौराहे पर खड़ा करके एक बार फांसी चढ़ा दो, दोबारा बंदा हिम्मत करने से 100 बार सोच जाएगा। सऊदी अरेबिया में क्यों सोचता है? इसलिए सोचता है, रूल टाइट है। और हमारे यहां सोचो ना, हम अपने आप को फोड़वाने के लिए पुलिस वालों को 100 रुपए देते हैं, भाई तू 3200 रुपए ले ले, पर हम हेलमेट के बिना ही जाएंगे। दुनिया में और कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इंसान अपनी सेफ्टी के लिए पैसे, अपनी सेफ्टी को ना रखने के लिए पैसा दे रहा है कि भाई पैसे ले ले, पर मुझे सेफ्टी पसंद नहीं है, हेलमेट नहीं लगा। जबकि उस हेलमेट से फायदा किसका होना है? हमारा होना है, तब भी हम 100 रुपए दे रहे हैं। है जी या नहीं है? पल में कहीं ऐसा नहीं होता, मानिया होता। चलो अगर अपन डालिए रुपया लिख दिया एनर्जी ग्रो, फिर लिखिए रवि ग्रो RABI, रवि क्रॉप डालिए इसमें। अक्टूबर नवंबर में बोया, अप्रैल महीने काट लिया, लिखिए बच्चों। डालिए इसमें एग्जाम्पल इसके, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और अलसी। अलसी, ये अलसी बड़ा फेमस है, इसको ट्राई कर देना। अलसी के बेटा थोड़े से बीज आते हैं, तेल बनता है, बड़ा बढ़िया तेल होता है जी। जी अगर भाई को 50-60 दिन पिला देना लगातार, भाई इस दीवार मुक्का मारे दीवार टूट जाएगी, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर कर सकते हैं ऐसा। पैसे का तो कल लेके आओ सारे पिला हुए पांच बीस। बोलते सबसे ताकतवर तेल होता है अलसी का, काफी गर्म भी होता है, ताकत थोड़ी भी होता है। भाई बोलते हैं 1 लीटर पी लेगा तो वेस्ट क्लियर हो जाएगी सारी आर्मी उर्मी, अजट पी के देती हूँ। पर ये मैं बताइए, किसी को भी टीचर ने आइडिया दिया था? बोलिए एक मैम आती है, उन्होंने आइडिया दिया था। अब तुमको कोई आइडिया देना बेकार है, अब तो ये डेली अब्दुल्ला की वेबसाइट पे वीडियो वायरल कर रहे हैं अपने, ठीक है? पता लगा कि इनको कुछ बोल दिया, इन्होंने वीडियो डाल दिया, टीचर ने कहा था अलसी का तेल लेना, तो मैं भी ले गया। डालिए भाई खरीफ, पहला रबी था, दूसरा है खरीफ। जून जुलाई में बोया, सितंबर अक्टूबर में काट लिया। जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर, चावल, जवार, बाजरा, रागी, रुक जा भाई, रागी, राइस, जवार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, कॉटन,